हमें पैराग्राफ लगाना है तो पी टैग होता है। अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हमें पी टैग यूज किया जाता है। अब पी टैग के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि हम H1 लगाएंगे तभी हम यहाँ से कोई पैराग्राफ हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि आप H1 हेडिंग लगाइए, पैराग्राफ दीजिए। तो आप यहाँ पे हेडिंग के जस्ट इमीडिएट आप पैराग्राफ लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ ही लिखोगे, जैसे यहाँ पे अभी हमें पैराग्राफ लिखना है तो हमने यहाँ से पैराग्राफ उठाया और इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से हमने क्या किया, इस पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर दिया और पैराग्राफ टैग को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे यूजर डिटेल हो, इंट्रोडक्शन की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो, यूजर डिटेल। अब यूजर डिटेल में हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हमारा टेबुलर फॉर्म में हो, रो कॉलम के फॉर्मेट में हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई हेडिंग से यहाँ पे दिया गया हो और उस हेडिंग के नीचे हम कोई इमेज वगैरह लगा दिया हो। जैसे हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स में हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट या एम्प्लॉई हमने दे दिया, स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट की इमेज हमने लगा दिया। तो हेडिंग हमारा अलग है, पैराग्राफ सेपरेट है। तो आपको पैराग्राफ की नीड है तो आप पैराग्राफ लगाइए, नहीं नीड है तो नहीं लगाना है। कोई कंपलसरी नहीं है तो हेडिंग लगा दिया तो पैराग्राफ लगाना ही है, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आप देखने को मिलेंगी जहां पे आपको हेडिंग्स के बाद पैराग्राफ नहीं होगा, हेडिंग्स के बाद आपको टेबल भी मिलेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, वेबसाइट में अगर हमें देखना है तो कोई भी वेबसाइट हम यहाँ पे देख सकते हैं। NSE, यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चयन हमने यहाँ पे ओपन किया। कुछ यहाँ पे देखिए एक हेडिंग है, पैराग्राफ यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट इस वेबसाइट में इंडिविजुअली चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डाटा जो दिया है ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। डेटा हमारा क्या दिया है, ये रो कॉलम के फॉर्म में दिया है, टेबल में बना करके दिया है। तो हम यहाँ पे इक्विटी स्टॉक है, यहाँ पे टैब बनाया गया है, यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते थे आसानी से, इक्विटी का स्टॉक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे इक्विटी स्टॉक यहाँ पे। या फिर ऐसे अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता तो स्टूडेंट रिकॉर्ड डाल देते, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे हम टेबल में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दे देते। तो हेडिंग हमें लगाना है तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हेडिंग के साथ पैराग्राफ होना ही है। तो आप यहाँ पे भी देखिए आपका हेडिंग्स दिया गया है, यहाँ पे ये H3 भी हो सकता है आपका। इसके बाद यहाँ पे डेटा यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म में दिया गया है, आपका यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हेडिंग है तो पैराग्राफ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ इंडिविजुअली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग भी इंडिविजुअली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर सेपरेट है।